भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृपानाथ सिंह रोड कुम्हार गली में देर शाम तीन अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर एक ज्वेलर्स की दुकान में रुपया सहित लाखों रुपए के जेवरात लूट की घटना को अंजाम दिया, जबकि सारी घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस मामले में मां दुर्गा ज्वेलर्स के संचालक राजेश कुमार ने बताया कि देर शाम तीन अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर 45,000 रुपया नगद सहित 4 किलो चांदी लूट कर फरार हो गए, जबकि सभी घटनाओं का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस को सूचना मिलते घटनास्थल पर पहुंच कर छानबीन में जुट गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद सभी लुटेरों की गतिविधि साफ देखी जा रही है। यहाँ बैठा, उसके बाद जो आदमी आया शटर गिरा दिया, उसके बाद भी सामान सब जमीन ले गई, एक आदमी अंदर जाकर निकाल लिया। अच्छा। एक आदमी हथियार था उसका सीन अभी फोटो इसमें नहीं आ रहा है, कैमरा बंद कर हो गया। अच्छा। कैसे बंद हो गया पता नहीं चला, गूगल पर सर्च किट खोला है तो कुछ बोला सब अपना शुरू कर दिया कि पता नहीं चला ऐसी सब आए हैं बोलेंगे सब पता लगाए क्या करेंगे। अच्छा, क्या क्या सब चोरी हुआ है? सामान हुआ 45,000 रुपये नगद था उसमें। हाँ। और वही जगह के चांदी सब था। कितना चांदी चोरी की? 2 लाख के अंदर तक होगा। अच्छा, जेवर बना हुआ या जेवर बना हुआ? जेवर बना हुआ। और कितने बजे की घटना है? वो तो के बजे बताएगा, पका टाइम बता सकता है, कोई अनुभव उतना नहीं। लेकिन क्या लगभग क्या बजे के होगा? कैमरा निकालो देख लेते बता देते हैं। शाम में लगभग एक अंदाजा बताइए। अंदाज 5 के आसपास हुआ होगा अंदाज। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार साहब। के किसी को पहचाने है? नहीं पहचाने। अज्ञात था, बाहरी था? हाँ, बाहरी था, क्या था हम पहचान नहीं पाए। अच्छा, तो घटना स्थल पर कौन कौन आए थे? घटना पर सर सब आए, दरोगा साहब आए, सब आए, सब आए थे। रात में 9 से 11 जैसा चला है आगे तक देखते क्या होता है, यानी खोजबीन जारी कर खोज कर काम चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? R9 भारत के लिए अतुल भारती की रिपोर्ट, भागलपुर बिहार से। भागलपुर कहलगांव प्रखंड में बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 10वें चरण के मतदान को लेकर प्रशासन पुख्ता इंतजाम के साथ पूरी तैयारी से तैयार है। भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के 28 पंचायतों में 474 मतदान केंद्रों पर 8 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जहां प्रत्याशियों के बीच गहमा गहमी है, वहीं प्रशासन भी पंचायत चुनाव को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। बता दें कि मुखिया, पंचायत सदस्य, जिला परिषद, वार्ड सदस्य 4 पद का चुनाव ईवीएम मशीन से और 2 पद पंच और सरपंच का चुनाव मतपत्रों के माध्यम से होना है। वहीं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान को लेकर पूरी तरह से तैयार है, जिसमें प्रखंड के 2 आदर्श मतदान केंद्र मध्य विद्यालय उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग खुटहरी को बनाया गया है। सभी जो हमारे बूथ है वहाँ पे फोर्स एप्रोप्रिएट संख्या में हम लोग दिए हैं। यहाँ टोटल 414 अभी है बूथ, एडिशनल जो मिला करके अगर हम लोग रखें तो ऐसे नॉर्मल में 389 है। सभी बूथ पर ये समझ लीजिए कि 37 बूथ छोड़ करके बाकी सभी अति संवेदनशील है, जिसमें कि एक्स्ट्रा कुछ फोर्स भी हम लोग डाले हैं। सभी PCCP के साथ फोर्स लगाई गई है, उसके ऊपर से 3 लेयर के और मजिस्ट्रेट और उनके साथ पुलिस बल की ये किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। रिस्पॉन्स टीम भी है, कहीं गड़बड़ सा लगता होगा तो सूचना मिलने पर तुरंत उपस्थिति होगी। कंट्रोल रूम जिला, अनुमंडल और ब्लॉक लेवल पे ये है। सभी थाने को अलर्ट किया गया है, उनको थोड़ा और चिंतन भी किया गया उनको फोर्स देकर के, इस तरह से ये समझा जाए कि उनकी तैयारी पूरी है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं। निष्पक्ष निष्पादन हम लोगों ने जो व्यवस्था किया है, हम लोगों ने तकरीबन 2700 लोगों पर 160 करवाई थी, 1500 लोगों पर बाउंड डाउन, 300 लोगों पर हम लोग दुनिया भर दावी और कुछ लोगों पर हम लोग CCA की भी कार्रवाई किए। इसके साथ साथ जो कोई भी सेंसिटिव बूथ है वहाँ पर हम लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की है, और साथ ही साथ हम निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु कितना दूर तक हो सकता है। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर बिहार से।